सो फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने रूम में ही मंदिर का सेटअप लगाया है, क्योंकि मैंने मंदिर जो आपने देखा होगा कि ऊपर बना रखा है, तो वहाँ कहीं स्पेस था नहीं, तो पूरा ही मुझे सब खिसकाना पड़ता, तो इसलिए मैं ना अभी पूरे अच्छे से रेडी भी नहीं हो पाई हूँ लेट हो गई मैं। और चलिए आपको दिखाती हूँ मैं मंदिर मैंने कैसे सेटअप करा है। तो अपने रूम में ही थोड़ा सा स्पेस बना के मैंने मंदिर सजाया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने मंदिर का सब सेटअप कर लिया है। और ये सामने है कैलेंडर, करवा चौथ पूजन के लिए जो माता रानी का कथा और पूरा चाहिए होता है, वो सामने मैंने सब लगा दिया है। और ये भी रख लिया है मैंने, जल भी रख लिया है। और बाकी हम अपनी कथा शुरू करते हैं। तो 4 बज गए हैं, मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है, तो जल्दी जल्दी मैं अपनी कथा शुरू करती हूँ, बाकी का वीडियो बाद में शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ का वीडियो काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ। मेरे बेटे की तबीयत काफ़ी टाइम से ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में मुझे लेट हो गया है। घर में अगर थोड़ा बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती तो आप लोगों को पता ही है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, इसलिए मेरे को भी मतलब कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, सब टाइम देना पड़ता है, इसीलिए मैं भी थोड़ा नहीं कर पाई। तो चलिए फाइनली वीडियो आज डाल रही हूँ। तो दोस्तों, चलिए करते हैं अपनी पूजा शुरू। मुझे बहुत लेट हो गया है ऑलरेडी, और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा और लेट हो जाता है। तो पहले करती हूँ पूजा, उसके बाद करेंगे आपसे बातचीत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दश को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उनके पूजन दान से प्रसन्न किया, उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इनमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है, और विवाहित लड़कियों को यहां चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसे चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। इस व्रत की साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन मैंने पहन रखी है स्काई ब्लू कलर की साड़ी, और सब कुछ ना गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है। एक तो पूजा का टाइम हो गया, दिन का काम करते करते एक राउंड बाहर भी गई थी, और साड़ी पहनने में ना बड़ी दिक्कत होती है। दूसरों को तो इतने अच्छे से पहना देती, जब खुद पहननी पड़ती है ना, जगह जगह एक तो पीने लगानी पड़ती है, उसके लिए तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई साथ में ज़रूर होना चाहिए जो थोड़ा स्पिन वगैरह सेट कर दे। और इसीलिए उस समय तो मैंने जल्दी जल्दी से साड़ी पहनी और पूजा कर ली, क्योंकि 4 बजे का पूरा टाइम होता है, पूजा हो जानी चाहिए 4 से 4:15 4:30 तक, तो इसलिए मैंने फिर जल्दी जल्दी से पूजा कर ली थी। तो ये देखिए, ये है मेरी साड़ी का कलर, और इसमें बैंगनी कलर का ब्लाउज है। मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों, अब रात के लिए मैं रेडी हो रही हूँ, जो मतलब लहंगा वहंगा मुझे पहनना है मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, और मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। फेस वॉश करके आई हूँ, अभी मैंने नीली साड़ी जो पहनी थी उसके हिसाब से सारा अपना तैयारी कर रखी थी। अब बालों को भी अच्छे से सेट नहीं कर पाई, कैसे हो रहे हैं।
अब पहनते हैं लहंगा, तो उसके लिए तैयार होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा मेकअप इतना हो गया है, मुझे आता नहीं है इतना अच्छे से। आई एम नॉट प्रोफेशनल, तो जैसा भी होगा कर लेते हैं। रेडी हो गए तो होप सही लगेगा। अभी थोड़ा सा पूरा ही अब लुक सेटअप पे आएगा तो अच्छा लगेगा। अभी इतना मैंने आईलाइनर वगैरह कर लिया और थोड़ा सा फाउंडेशन मैंने शायद नहीं लिया, इसकी वजह से थोड़ी सी कमी रह जाएगी। बाकी अभी ब्लश और हाइलाइटर वगैरह लगाती हूँ, तो फिर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी और ऐसा ही कुछ लुक आपने मेरा जब मैं शादी में गई थी तभी भी देखा होगा। तो सिंपल रहता है, जल्दी से बाल बना लो, जुड़ा बना लो और रेडी हो जाओ। तो अभी कितने बज रहे हैं, अभी 8:30 हो रहे हैं, चांद तो निकल गया होगा। चलो देखने चलते हैं बाहर और फिर जल्दी से व्रत खोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है। शाम निकल आया है, अब हम चलते हैं छत पे। करवा चौथ के दिन मेरे पति क्या कर रहे हैं? मेरी पूरी हेल्प की जा रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, करवा चौथ के दिन मेरे हस्बैंड ने खाना बनाया था, ऑफिस से आके फटाफट सब्जी बन गई थी इनकी और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई थी, ये देखिए। और उसके बाद इन्होंने आपको अपने लिए एक मूली के पत्तों की सब्जी भी बनाई थी, इन्हें बहुत पसंद है। और ये देखिए मेरे बालों में लगा रहे हैं गजरा, हर साल करवा चौथ में मेरे लिए ये गजरा लेके आते हैं, मैं मंगाती नहीं हूँ, खुद से ही लेके आते हैं। तो ये शॉट आपने मेरे यूट्यूब चैनल में देखा होगा। तो बस अब हम लोग रेडी हैं, चांद भी निकल आया है। और फ्रेंड्स, नीचे से तो चांद दिखा नहीं था, हमें छत पे ही जाना पड़ा था। और छत पे नेक्स्ट वाले टेरेस पे हो रही थी पार्टी, तो इसमें मुझे फिर इसकी आवाज़ बंद करनी पड़ी क्योंकि वहाँ चल रहे थे ज़बरदस्त गाने, कोई साउथ इंडियन फैमिली पार्टी कर रही थी। तो ये देखिए, चांद तो पहले ही निकल आया था और हम लोग लेट हो चुके थे, मतलब मैं लेट हो गई थी रेडी होने में। तो जल्दी से हमने पूजा करी और अपना व्रत खोला और कैमरे पकड़ा देते हैं बच्चों को, फ़ोन पकड़ा देते हैं बच्चों को, तो थोड़ा बहुत हिला डुला के टेढ़ा मेढ़ा बच्चे बना देते हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ जहाँ पे भी आपको दिखती हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा। मतलब मेरे को प्यास लग चुकी थी और हम छत पे गए थे तो वही चढ़ने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि गला बिल्कुल सूख रहा था मेरा। फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं करती हूँ यही एंड। हालत ख़राब हो गई है और शक्ल में ना 12 बजे हुए हैं, आज कितना ही मेकअप कर लिया लेकिन तभी भी वो लुक नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि दिन भर से भूखे प्यासे बैठे हैं तो चेहरा भी अपने आप में डाउन डाउन सा था। तो खाना वाना बन गया है, हस्बैंड ने बना दी है सब्जी और फटाफट से अब मैं डालती हूँ रोटियाँ पूरी जो भी बनाना है। आज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।